वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैंने इंस्टाग्राम के हाईलाइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। बट गाइस मैं बताऊँगा कुछ डिफरेंट टाइप का हाईलाइट कवर कैसे आप ऐड कर सकते हो, लाइक मतलब कि कुछ डिफरेंट टाइप की जो फायर हाईलाइट टेक्स्ट जो है वो आप अपने प्रोफाइल के नीचे किस तरह से आप सेव कर सकते हो। नॉर्मल हाईलाइट 24 आवर्स के बाद जो आप लोग लगा देते हो, जिस तरह से मैं भी कुछ यहाँ पर लगा चुका हूँ, इसके ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप के हाईलाइट कवर किस तरह से ऐड कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है गाइस। वीडियो शुरू से लेकर अगर आप लोग एंड तक देख लोगे तो गाइस आप लोग इजीली जो है कुछ इस तरह से हाईलाइट जो फायर टेक्स्ट है उसको आप लोग इजीली सेव कर सकते हो। तो कैसे गाइस आपको सेव करना है मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है बिना स्किप किए ध्यान से, और गाइस आपको समझना है, मैं आपको इजीली तरीके से समझा दूंगा। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है गाइस, देखो आपको सबसे पहले जो टेम्पलेट गाइस, ये टेम्पलेट आपको चाहिए, ठीक है। ये टेम्पलेट आपको कहाँ मिलेंगे गाइस, मैं ये वीडियो का आपको एंड में बता दूंगा गाइस। कुछ इस तरह से हाईलाइट टेम्पलेट आपको चाहिए जो गाइस इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। आप अपने नाम के जो आपका नाम का वर्ड है आप सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे आपको नॉर्मल हाईलाइट के ऊपर कुछ इस तरह से कवर को किस तरह से आपको ऐड करना है, यही सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से बहुत ही मतलब कि हम लोग जो है वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम के लिए प्रोफाइल को ओपन करना। इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आपके प्रोफाइल सेक्शन पर यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद अगर आप नॉर्मल हाईलाइट जो आप ओल्ड स्टोरी जो आप लोग लगा चुके हो उसको भी आप यहाँ से पता लगा सकते हो। सिंपली आपने न्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जितना दिन पहले आप इंस्टाग्राम के अकाउंट खोल लेते हैं तब से जितना भी आपका स्टोरी है आप उसको यहाँ से गाइस पता कर सकते हो। पता किस तरह से करना है, आप यहाँ पे न्यू वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से हाईलाइट को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको एक किसी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उसके बाद आपको एडिट कवर पर जाना, ठीक है। एडिट कवर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने फाइल वाले ऑप्शन पर जाना है, देन आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाना है। जो मैंने फोटोज़ को डाउनलोड करके रखा था तो मेरा जो यहाँ पे असित यहाँ पे ASHIT यहाँ पे लगाया हूँ, तो आपको क्या करना लास्ट वाले ऑप्शन को लगाना, ठीक है। तो मेरा टी लास्ट वाला है तो मैं इसको टी को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके नाम के एडजस्ट आप मुताबिक यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं सबसे पहले लास्ट टी वाला लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एच आएगा, एस आएगा, ए आएगा, सबको आपको यहाँ पे पांच को हाईलाइट, जितना आपका नाम का वर्ड है आप उतना इसको इसी तरह सेव कर सकते हो। आपको मैं स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको सेव कर लेना, ठीक है। इस तरह से सेव कर लेने के बाद कैसे आपको क्या करना है, आपका जितना वर्ड है आप उतना सेव कर लेना। आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल कुछ इस तरह से स्क्रीन शॉट मैं शो करा रहा हूँ उस तरह का दिखेगा। तो गाइस आप बात करते गाइस कैसे आप लोग इस तरह से डाउनलोड करना है, तो देखो गाइस आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको गूगल पे जाना है गाइस। गाइस गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो इंस्टाग्राम फायर हाईलाइट्स टेक्स्ट, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करोगे इंस्टाग्राम फायर टेक्स्ट, यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा टेक्स्ट हाईलाइट। मैंने यहाँ पे निकला मतलब कि नहीं लिख पाए तो इसलिए हाईलाइट्स लिए जैसे ही लिख देता हूँ तो यहाँ पे सेव हो मतलब कि जैसे ही ये हो जाता है तो आप इसको सेव भी कर सकते हो इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप यहाँ से इमेज पे जैसे ही जाओगे तो आप इमेज से डाउनलोड करके अपने नाम का एडजस्ट आप यहाँ से ढूंढ लोगे, आपके A to Z आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक क्लियर, बाय।